हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं गाइस फ्रेजेस, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समवेयर और द अदर, इसका मतलब होता है गाइस कहीं ना कहीं, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, आपको वह कहीं ना कहीं रास्ते में ज़रूर मिल जाएगा। He must meet you somewhere or the other on the way. He must meet you somewhere or the other on the way. एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए था, है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं, यू शुड हैव स्टॉप्ड समवेयर और द अदर। यू शुड हैव स्टॉप्ड समवेयर और द अदर। आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइस, समथिंग और द अदर, और इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, है ना। अक्सर हम ऐसे वाक्य बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था उसे बचाने के लिए। यू शुड हैव डन समथिंग और द अदर टू रेस्क्यू हर। यू शुड हैव डन समथिंग और द अदर टू रेस्क्यू हर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह कुछ ना कुछ सोच रही थी, है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं, सी वॉज थिंकिंग समथिंग और द अदर। सी वॉज थिंकिंग समथिंग और द अदर। आप इस तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, समवन और द अदर, और इसका मतलब होता है गाइस कोई ना कोई, है ना। तो ऐसा सेंटेंस काफ़ी यूज होता है डे टू डे कन्वर्सेशन में। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल है गाइस, कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपकी मदद करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। Someone or the other must come to help you, I feel so. आप इस तरह से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, भगवान कोई ना कोई को जरूर भेजेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। तो आप इंग्लिश बोलेंगे, God must send someone or the other to help you. God must send someone or the other to help you. आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। समटाइम और द अदर, और इसका मतलब होता है गाइस कभी ना कभी, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, यह मेरा सपना है, मैं कभी ना कभी वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो आप बोल सकते हैं, इट्स माई ड्रीम, आई विल गो देयर सम टाइम और द अदर फॉर श्योर। आप इस तरह से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, कभी ना कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलोगे, यू मस्ट नीड मी सम टाइम और द अदर। यू मस्ट नीड मी सम टाइम और द अदर। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइस, सम डे और द अदर, और इसका मतलब होता है किसी न किसी दिन, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम सफल ज़रूर होगे किसी ना किसी दिन। तो आप इंग्लिश बोलते हैं, यू मस्ट बी सक्सेसफुल सम डे और द अदर। यू मस्ट बी सक्सेसफुल सम डे और द अदर। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं यह कार खरीद लूँगा किसी ना किसी दिन, है ना। तो आप इंग्लिश बोलते हैं, I will buy this car someday or the other. I will buy this car someday or the other. आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारा आज का अगला फ्रेज वर्ड है गाइस, somehow or the other, और इसका मतलब होता है किसी न किसी तरह, है ना। किसी न किसी तरह इसका मतलब होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मैंने अपने पापा को किसी न किसी तरह मना लिया, है ना।
तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव परसुएडेड माई डैड सम हाउ और द अदर, आई हैव परसुएडेड माई डैड सम हाउ और द अदर, आप इस तरह बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, उसने किसी न किसी तरह से ठीक कर दिया, है ना, तो आप इंग्लिश बोलेंगे ही सेटल्ड एवरीथिंग राइट सम हाउ और द अदर, आप इस तरह से बोल सकते हैं। हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज फॉर द टाइम बींग, और इसका मतलब होता है गाइज फिलहाल, है ना, अक्सर हम लोग कन्वर्सेशन में बोलते हैं फिलहाल, अभी के लिए या फिर और कुछ। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल है फिलहाल मैं अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो आप इंग्लिश बोलते हैं फॉर द टाइम बींग आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हर नाउ, फॉर द टाइम बींग आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हर नाउ। एक और एग्जांपल देखिए, फिलहाल वह घर पे नहीं है, वह बाहर गया हुआ है, है ना, तो आप इंग्लिश बोलते हैं फॉर द टाइम बींग ही इज़ नॉट एट होम हैज़ गॉन टू आउट, फॉर द टाइम बींग ही इज़ नॉट एट होम हैज़ गॉन टू आउट, आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज इन वन गो, और इसका मतलब होता है एक बार में, है ना, तो इसका प्रयोग भी काफ़ी यूजफुल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तुम्हें एक बार में पूरा जूस पीना पड़ेगा, है ना, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हो गाइज, आप बोलोगे यू विल हैव टू ड्रिंक द होल जूस इन वन गो, यू विल हैव टू ड्रिंक द होल जूस इन वन गो, आप इस तरह से ऐसे बना सकते हो। हमारा अगला एग्जाम्पल है तुम्हें एक बार में जीतना होगा, है ना, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हो गाइज यू हैव गॉट टू विन इन वन गो, यू हैव गॉट टू विन इन वन गो, आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज वॉट सॉर्ट ऑफ, और इसका मतलब होता है किस तरह का, है ना, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उससे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता है वह किस तरह का आदमी है, है ना, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हो गाइज कीप अवे फ्रॉम हिम यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़, कीप अवे फ्रॉम हिम यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हें पता भी है वह किस तरह का आदमी है, है ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं डू यू इवन नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़, डू यू इवन नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़, आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइस हैविंग सेड डैट, है ना, और इसका मतलब होता है पर या फिर भी या फिर तब भी। देखिए एग्जांपल, यह शर्ट बहुत महंगी है फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, है ना, हमको पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस शर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव हैविंग सेड डैट आई वॉन्ट टू वाई इट, दिस शर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव हैविंग सेड डैट आई वॉन्ट टू वाई इट। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, वह चीज़ें भूल जाती है पर उसे मेरा जन्मदिन याद रहता है, है ना, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हो गाइस, आप बोलोगे शी फॉरगेट्स द थिंग्स हैविंग सेड डैट सी रिमेंबर्स माई बर्थडे, सी फॉरगेट्स द थिंग्स हैविंग सेड डैट सी रिमेंबर्स माई बर्थडे, आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। सो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, टेक केयर एवरी वन।